हम बात कर रहे हैं SCC की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिली है। 5% तक की गिरावट स्टॉक में हमको देखने के लिए मिली है। 50 के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट था लगातार तेज़ी के लिए, लेकिन स्टॉक ने ब्रेक डाउन कर गया मार्केट के गिरावट के साथ। SCC भी हमको गिरावट दिखा गया, लेकिन देख सकते हैं जहां सपोर्ट लेकर बाउंस बैक किया था स्टॉक ने और 50 के लेवल को ब्रेकआउट किया था, उसी सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर अगेन रिकवरी के साथ, छोटी मोटी रिकवरी के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली। देख सकते हैं हम लास्ट में एक ग्रीन कैंडल है जो कि रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखा गया है, तो उसके ऊपर ही कम को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि 46 का लेवल इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ब्रेकडाउन कर इसी के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा 50 के ब्रेकआउट का, ऐसा हमने डिस्कस किया था। स्टॉक ने उसी सपोर्ट से 50 के लेवल को ब्रेकआउट भी किया था, तो अब अपने सपोर्ट लेवल पर ही क्लोजिंग स्टॉक दिखा गया है, लेकिन सेलिंग है लगातार, मार्केट में भी गिरावट थी। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो नीचे की ओर फिर 44 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट रहेगा, 44-45 का जो लेवल है तगड़ा सपोर्ट रहेगा। इसको ब्रेकडाउन कर गया फिर 44 के लेवल का ब्रेकडाउन मतलब फिर और गिरावट। जब तक 44 के ऊपर है अपसाइड के चांस स्टॉक में हमको बने हुए रहेगी नज़र आ रहे हैं। क्लोजिंग तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है, अब थोड़ा सा इंतज़ार करना। अगर स्टॉक में जंप आता है तो 50 तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है 50 तक का, लेकिन इसको 50 के लेवल को ब्रेकआउट करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ब्रेकआउट किया था लेकिन सेलिंग आई है, गिरावट आई मार्केट के गिरावट का, तो 50 इमीडिएट टारगेट है, अपना पहला टारगेट है, और इसको ब्रेकआउट करता है और यहाँ से जम देखने के लिए मिलता है तो अगला टारगेट 50-50 का लेवल जो कि इसका रेजिस्टेंस है, जहाँ से स्टॉक ने 2-3 दफ़ा रिजेक्शन लिया है, और इस लेवल को अगर ब्रेकआउट कर गया तो फिर SCC यहाँ से लगातार तेज़ी दिखा सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट 54, और इस कंडीशन में हमको 57 से लेके 60 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है, यहाँ तक के भी टारगेट फिर देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।